अब मैं जो बात कर रहा हूं सुनो, अली सुभान अल्लाह बोलो तो जरा यार, खुदा की कसम अली का नाम वो है, सिर्फ नाम ले दो, फजीलत बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने ऐसा दिलों में मुसल्लत कर दिया अली का नाम, ऐसा चस्पा किया है सीने पर, आहा सुभान अल्लाह, अली कहने वाले वली बन गए, सुभान अल्लाह। अब अली कैसी इबादत करते हैं, किसी ने पूछा इतने बड़े पहलवान और छोटे मोटे पहलवान नहीं है, अल्लाह ने इतना बड़ा पहलवान पैदा ही नहीं किया। हाँ, ऐसी तलवार जैसी अली ने चलाई, जंगे बदर में 70 मारे गए कुफारे मक्का, कितने मारे गए, और 313 सहाबा थे तो 312 ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। अली से किसी ने पूछा ये स्टेमिना कहां से आता है, ये ताकत कहां से आती है, क्या करते हैं आप? ये जो किसी बेवकूफ ने लिखा है कि अली की पेड़ बाहर को था, अच्छा अली के बच्चे हुजूर से मिलते हैं और अली का पेड़ बाहर को था, अली का ठिकाना था, अबे उनकी औलाद में दिखा, उससे बात करना जिसने अली को देखा ना हो, उसे कोई क्या बताएगा जिसने अली को देखा हो, उसको कोई क्या लिख के बताएगा? किसी ने पूछा है मौला अली कौन सी इबादत करते हैं आप, कौन सी वर्जिश है आपकी, फरमाया एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूं, एक रात में 1000, या तो ईशा के नफिल छोड़ रहे हैं लोग और वो ईशा की नमाज के बाद 1000 नफिल काय के पढ़ते हैं, कहते शुक्राने के, शुक्र के, किस बात का शुक्र कि अल्लाह ने मुझे अली बनाया, अल्लाह ने सब पलते हैं अपने अपने घर में, मैं मगर मैं अल्लाह के रसूल के घर में पला। अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है कि मौला अली जब अपने घोड़े पे बैठते थे एक पांव रखते थे रकाब में और ऊपर बैठने से पहले एक कुरान पूरा हो जाता था, एक कुरान बोलो, एक कुरान कितनी देर में, एक पांव रकाब में जीन पे बैठने से पहले, घोड़े के ऊपर सवार होने से पहले एक कुरान। अब कह रहे हो ये कैसे हो सकता है, तो वो जो दिमाग में आ जाए वो करामत हो ही नहीं सकती है, करामत वही होती है जो दिमाग में ना आए, ना आए। अली मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं अपनी बीबी अपने घर गया एक दिन तो मेरी बीबी कुछ परेशान है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमाए कायनात हाफिजा कारिया आलिमा जाहिदा उम्मे अबीहा सैयदा पाक फातिमतुज़ ज़हरा। इकबाल कहता है कि फातिमा वो है कि जब उनका नाम आए तो गर्दनें झुका लिया करो, क्योंकि जब कयामत के दिन फातिमा जाएंगी अल्लाह फरमाएगा ऐ महशर वालों गर्दनें झुका लो। अब फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत को जा रही है, ऐ फातिमा तूने दुनिया में पर्दा किया था, ये तेरा काम है कयामत के दिन तेरी लिए नजरें झुकवाना, ये तेरे रब का काम है। कहते फातिमा कुछ परेशान है, मैंने पूरी बहने सुने, आज मेरी बहने परेशान हो जाए, यहाँ जाएंगी वहां जाएंगी, इस तावीज वाले के पास उस तावीज वाले का ये सवाल है, तावीज वाला वो सवाल है, तावीज वाला अच्छा बरकत के तावीज बोल लिख रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं है, और ये औरतें बेचारी बेवकूफ होती हैं ज्यादातर, यहां भी इन्होंने देख लिया वहीं, अरे बड़े अच्छे मियां हैं बड़े अच्छे, और वो मियां भी डिग्रियां लिए बैठे हैं, बड़े बड़े बने हुए लोग जिन्हें कोई कारोबार करना नहीं आया, उन्होंने इसको आसान समझा, झूठ बोलने में क्या नुकसान है, जो भी आए कह दो तुझ पे जादू है, तवज्जो नहीं मेरी बात बुरी नहीं लग रही है आपको क्या, खुदा की कसम खा के कहता हूं जब तक इससे नहीं निकलोगे मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। मौला अली ने फरमाया फातिमा क्या बात है, हसन हुसैन दोनों बीमार हैं, तबीयतें ठीक नहीं हो रही हैं, पर मैं चलो अल्लाह से दुआ करते हैं 3 रोजे की मन्नत मान लो, कितने की बोलो, बोलो तो भाई कितने की, कहो 3 रोजे रखूंगी या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता फरमा दे। सैयदा पाक ने हाथ उठाए, अली ने दुआ की, मुझे बताओ कि जब दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली फातिमा
सारी जन्नती औरतों की सरदारा हो, और जिनके लिए दुआ की जा रही है वो हसन हुसैन हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। ये अली ने क्या मिजाज दे दिया, जब कोई परेशानी आए तो घर वालों को किसी मियां का सहारा मत देखो, किसी इमाम साहब का सहारा ना देखो, सब घर वाले वजू कर लो, वजू करने के बाद हाथ उठाओ। यही तो करना तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारे यहाँ पे मुसल्ले बिछने बंद हो गए, अब औरतों ने मुसल्ले बिछने। बच्चों वो कैसे दौर थे कि हमारी माएँ नमाजों में रोती थी, सजदों में जाती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जितनी भी नमाज सीखी है अपनी माँ से सीखी है, मैंने अपनी माँ के सजदों को देख के सजदा करना सीखा है, मैंने अपनी माँ के इश्क रसूल को देख के मेरे दिल में जो भी आया है, हालांकि बहुत बड़ा मगर जो भी इश्क रसूल आया है मुझे मेरी माँ से मिला है, मुझे मेरे बाप से मिला है। हम सबको जितना दीन मिला है माँ बाप से मिला है, बोलो मिला है नहीं मिला है, बोलो मिला है नहीं मिला है। तो आखिर हम अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं देना चाहते हैं? कब हमारे यहाँ पे मुसल्ले बिछेंगे, कब ये टीवियां हमारे घरों से निकलेंगी, कब हम मोबाइलों की गुलामी बंद करेंगे? कौन सा दिन होगा कि सुबह फजर के वक्त में हमारे घरों से कुरान की आवाजें आएंगी? कौन सा दिन होगा कि हमारे घर में मुसल्ले बिछेंगे? याद रखो, जब तक ये अमल नहीं करोगे हालात बिगड़ने बदलने वाले नहीं है, जैसे हालात है वैसे ही हालात रहेंगे। अली ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हसन को शिफा दे दे, मेरे हुसैन को शिफा दे दे। अल्लाह ने शिफा दे दी, अब सुबह से रोजे की कार्रवाई शुरू। अब नफली रोजा रखने के लिए सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने घर वालों को उठा दिया, अब घर में कोई खाना भी नहीं है, घर में कोई पानी पीना भी नहीं है, घर में अगर कुछ है तो यह है कि पानी है। मौला अली ने पानी से सहरी कर ली, इमाम हसन ने पानी से सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने पानी से सहरी कर ली, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने पानी पी के सहरी कर ली और रोजा रख लिया। अली फिर दोपहर के वक्त में अपने बच्चों का चेहरा देखते देखते और मजदूरी करने जाते, दोपहर में मजदूरी करके रोजे की हालत में चौले के आते, नबी की बेटी चक्की चलाती है और चक्की चलाने के बाद फिर आटा बनाती है, रोटी बनाती है। उसके बाद शाम के वक्त में आप बिलाल की अजान की आवाज का इंतजार हो रहा है कि बिलाल अजान पढ़ेंगे तो हम जो है वो इफ्तार करने के बाद खाना खाएंगे। मगर बिलाल की अजान से पहले एक आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला है, मैं दो दिन का भूखा हूँ, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ दे सकती है, क्या फातिमतुज़्ज़हरा मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने सबसे पहले अपने आगे से खाना उठाया और कहा, ले मेरे बेटे हसन, मेरे बदले का खाना उस साहिल को दिया। इमाम अली बोले, ले मेरे बदले का भी देकर के आ। तो इमाम हसन बोले, हम दोनों भाई बोले, अम्मी अब्बा जब दोनों दे रहे हैं तो हम भी तो देंगे, हमारे बदले का भी तो जाएगा, हमने सबने दे दिया। फिर वो पूरी रात गुजर गई अहले बैत पर ऐसे ही। फिर सुबह को सहरी रोजा रखा गया पानी से। जिनके घरों में रोटियां भरी हुई हैं, जिनके घरों में रिस्क संभल नहीं रहा, ये कयामत के दिन अगर जवाब ना दे तो याद रखना सब दोगे जवाब। क्या समझते हो तुमने जितने रोजे छोड़े हुए, खा खा के अल्लाह की नेमत में जवाब नहीं दोगे? हट्टे कट्टे फिरते हो और रोजे नहीं रखते। मौला अली ने दूसरे दिन रोजा रखा और दूसरे दिन मजदूरी करने गए। किसी का बाप मजदूरी करे तो कभी अपने आप को शर्मिंदा मत होना। अपना भाई अगर मजदूरी करता है सगा, तो कहना मेरा भाई है ये मजदूर, हाँ मेरा बाप है मजदूर। शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, हराम का खिलाता हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप मजदूरी करता है? मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता था, मदीने के बागों में रस्सी के डोल निकाल से पानी देता था, और मदीने की गलियों में मेरा बाप अपनी घास खोद के लाता था जंगल से, फिर वहीं पे पीसता था। मगर कोई सैयद ये नहीं कह सकता कि मुझे अली पे फख्र नहीं है। हम सबको फख्र है, अली पे सब पे फख्र है। अली मौला कायनात आए हैं, अब जब शाम को आए हैं अपने बच्चों का चेहरा देखा है। सैयदा ने दो दिन की भूखी प्यासी ने फिर चक्की शुरू की है। अली जो लेकर के आए हैं, चक्की चली है, खाना बना है, फिर दस्तरखान सजा है अहले बैत का, फिर आवाज़ आई है अजान की। आवाज़ से पहले आवाज़ आई है, मैं यतीम हूँ, मेरे बाप मर गया, मैंने दो दिन से मेरी माँ ने मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या मुझको कुछ फातिमतुज़्ज़हरा के दर से मिल जाएगा? मैंने सुना है यतीमों पे बड़ा रहम करती है फातिमा, क्या मुझे कुछ दे देंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, मेरे बेटे दया, सारे लोगों ने दे दिया। फिर ये रात भूखी चली गई। फिर तीसरे दिन मौला अली ने फिर मजदूरी करने के लिए गए। मौला अली कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर आया हूँ, और ये हदीस मैंने रमजान के महीने में 21वें रमजान को मौला अली की शहादत वाले दिन मैंने मदीने में बैठ के पढ़ी थी ये हदीस। मौला अली कहते हैं, मैं अपने घर आया, मैंने आवाज दी, फातिमा दरवाजा खोलो। कहते उन्होंने दरवाजा खोल के मुस्कुराना शुरू कर दिया।
किसी ताबीज की जरूरत नहीं, मेरी बेटी किसी गंडे की जरूरत नहीं, ये तू क्या समझती है कि मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर फला ताबीज कर दो, कोई जरूरत नहीं मेरी बहन। जब तेरा शौहर आए तो फातिमतुज़्ज़हरा की सुन्नत याद रखना, तेरा भाई बता के जा रहा है कि जब तेरा शौहर आए तो बस मुस्कुरा के उससे इस्तकबाल कर लेना, तेरा घर नहीं मिटेगा, तेरा घर बरकत फातिमा की पा जाएगा। मेरी बेटी सबकी तरफ मुस्कुरा के क्या देखती है, किस तरफ भी मुस्कुराएगी ये तेरे लिए सवाब का काम नहीं, मगर अगर बीबी शोहर के देख के मुस्कुराए तो अल्लाह 10 नेकियां उसके हिस्से में लिख देगा। कहते मौलाली मैंने कहा फातिमा खाना बनाए, कहते उन्होंने मुझे पानी दे दिया, मैंने कहा खाना लाए, कहते खाना नहीं दिया, फिर वो अंदर से मैंने आवाज दी फातिमा खाना, कहते 3 बार आवाज दी अंदर से कोई आवाज नहीं, फिर मैंने चौथी मरतबा जोर से कहना अंदर से रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी। मैंने कहा क्यों रोती हैं, आपका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है, क्या बात है? तो रोने लगी, अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही, आप सफर से आए हैं बस इसका का क्यों? का जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, आज घर में कई दिन हो गए कुछ बना नहीं है। हजरत अली कहते मैं कहने लगा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं, कब? मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद। कहते अली मैं दीवार से लग के रोया, मैंने कहा नबी की बेटी तो मेरे दिल के हाल को जानती, मेरे पास कुछ नहीं था। कहते हैं फिर मैं फातिमा भी रोई तो मैंने कहा अब क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप चले गए थे मेरे अब्बा के घर, 17 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा, किस नबी को बुलाया है हमने, किस पैगंबर को बुलाया है हमने। हजरत अली कहते बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर मैं फिर गया हुजूर का सुन के, फिर मैंने कहा मुझसे कुछ काम ले लो, तो बाग का मालिक बोला एक अगर डोल दोगे तो एक खजूर दूंगा। कहते मैंने डोल निकाल के बड़े बड़े दिए, 3 डोल में मैं थक गया, मगर खजूर अजवा 17 मैंने डोल निकाले, 17 अजवा खजूर, मैं खुद भूखा था मेरे बच्चे, मगर मैंने चखा तक नहीं, उठा के ले गया हुजूर की बारगाह में। या रसूल अल्लाह ये आपको नजर है? हुजूर ने कहा अली तेरी बीबी फातिमा भूखी है, हसन हुसैन भूखे हैं, तो उनको नहीं लेके गए? तो कहने लगे ऐ मेरे आका अली हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ। फिर हुजूर अपने भांजे नवासों के पास गए, कहते अली खजूर की गुट्टी निकाल के खजूर जब मुंह में दी ना हसन के, तो नाना को देख के आंखों से आंसू हसन के आए, तो नाना ने चूम लिया और कहा मेरी बेटी फातिमा दुनिया छोटी है, मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है आखिरत बड़ी है, मेरी बेटी गम ना करना। आज 3 दिन के बाद सैयदा ने खाना बनाया है और 3 दिन के बाद फिर जो है ना दरवाजे पे दस्तक हुई है, अजान से पहले मैं एक कैदी हूं और मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? सब ने मना कर दिया, मगर चौराहे पे किसी ने कहा था जा सैयदा के दर से कोई खाली नहीं आया, जा चला जा आप कुछ देंगी, खाना उठा के दे दिया। उधर खाना जा रहा था, उधर नाना की नाना के पास मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए हसन हुसैन और मौला अली जा रहे थे, और जब वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो दोनों बाप बेटे उनका चेहरा न देखते से लगता था कितने कमजोर है। मेरे नबी पाक को कुछ हाल ना बताया, हुजूर ने पहले ही हसन हुसैन को चूमा, मौला अली ने देखा मेरे बच्चे कांप रहे भूख की वजह से, हुजूर ने गोद में उठाया और फरमाया अल्लाह ने 3 दिन तक तेरा यह खाना अली पसंद किया है, और जिब्राइल को भेजा अल्लाह ने और फरमाया वयुतअमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी ये फातिमा और अली तुमने जो ये मिस्कीन को खिलाया, तुमने जो ये यतीम को खिलाया, तुमने ये जो कैदी को खिलाया, तुमने तुमसे अल्लाह राजी हो गया, और फातिमा खाना खिलाए अल्लाह राजी हो जाए, मगर दुनिया को ये बता रही थी सैयदा फातिमा ऐ मेरे हुसैन ये 3 दिन का भूखा प्यासा रहना सीख ले, करबला के मैदान में जब यजीद तुझे भूख से प्यास से डराए तो तू उसे बता देना ये काम तो मेरे माँ बाप मुझे बचपन में करा के गए। नारे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। सुभान अल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा कहती है, और मदीने की औरतें अपने बच्चों को लोरी लेके सुनाती थी, मगर फातिमा अपने बच्चों को कुरान सुनाती थी। तवज्जो करो, कुरान क्या हुआ? एक तो बूंदे आई हैं, को खत्म कर दूं? खत्म करूं भाई, एक घंटा हो गया मुझे। आपको महसूस हुआ एक घंटा हो गया? महसूस नहीं हुआ? ये अल्लाह के नाम और उसके रसूल की बरकत है, ये इमाम हुसैन की बरकत है। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो, लग रहा है दिल? कितने लोगों का लग रहा है? दोनों हाथ उठा के तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो।